यूपी के संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद विधानसभा सीट की चुनावी तस्वीर इस बार थोड़ी अलग है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स न्यूज, खबर आपकी, भरोसा आपका। खलीलाबाद सीट वर्ष 2002 से हर बार अपना नुमाइंदा बदलती रही है। इस सीट पर राजनीतिक दल भी नए नए प्रयोग करते रहे हैं। इस बार के चुनाव में इमोशनल कार्ड के साथ हुई आम आदमी पार्टी की दस्तक भी खासी चर्चा में है। मुद्दों पर सियासत का मामला गरमाने से प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को अपनी चुनाव प्रचार की शैली में बदलाव करना पड़ रहा है। वर्ष 2017 में इस सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार उन्होंने बसपा के मशहूर आलम चौधरी को 16,037 मतों के अंतर से हराया था। इस बार बसपा ने भी अपना प्रत्याशी बदलकर आफताब आलम को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने अंकुर राज तिवारी, कांग्रेस ने अमरेंद्र भूषण और आम आदमी पार्टी ने सुबोध यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब इस बार दोबारा से यहाँ से चुनावी मैदान में हैं। प्रत्याशी बदलने से यहाँ समीकरण भी बदलने लगे हैं, इससे सभी पार्टियों को यहाँ नई रणनीति भी बनानी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुबोध यादव पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव के बेटे हैं। स्वर्गीय भालचंद्र यादव खलीलाबाद लोकसभा सीट से दो बार सांसद रहे थे। वर्ष 2019 में उनका कैंसर से निधन हो गया। आम आदमी पार्टी सुबोध यादव के जरिए क्षेत्र में अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश में है। सीट पर बदलाव की पृष्ठभूमि से भी पार्टी उत्साहित हैं। इस सीट से वर्ष 2002 के चुनाव में बीजेपी के द्वारिका प्रसाद, 2007 में बसपा के भगवान दास, वर्ष 2012 में पीस पार्टी के डॉक्टर मोहम्मद अयूब और साल 2017 में भाजपा के जय चौबे ने चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी। यह विधानसभा सीट संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में अस्तित्व में आया। परिसीमन के बाद हुए पहले चुनाव में बसपा के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी सांसद चुने गए थे। मौजूदा समय में भाजपा के प्रवीण कुमार निषाद सांसद हैं, जबकि वर्ष 2014 में भाजपा के ही शरद त्रिपाठी सांसद चुने गए थे। हालांकि खलीलाबाद सदर सीट इस बार किसे अपना रहनुमा चुनती है, ये आने वाले 10 मार्च को फैसले में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खलीलाबाद की इस विधानसभा सीट पर साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की हथकंडे को प्रत्याशी अपनाने के लिए तैयार हैं। इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों एवं जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें यूपी टाइम्स न्यूज़।